श्री श्री भगवान साईदास बाबाजी उज्जैन यात्रा साई मंदिर प्रसादी धाम उज्जैन से माता वैष्णो मंदिर के लिए शुरू होती है, जो विभिन्न पड़ावों से होती हुई माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी केपी डोंगरा, पंडित सुनील जोशी और एस के तिवारी आदि ने डेरा बाबा दो गुत्थे वाले भुल्लेवाल गुजरा में पहुँचने पर बातचीत करते हुए संयुक्त तौर पर बताया कि यह यात्रा साई मंदिर प्रसादी धाम उज्जैन से शुरू होकर विभिन्न पड़ावों से होती हुई, जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर, तलवाड़ा, जालंधर, अमृतसर, दीनानगर, जम्मू, कटरा से होते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचती है। इसके बाद मंदिर में नतमस्तक होकर 3 दिन विश्राम के बाद वापस उसी तरह विभिन्न पड़ावों से होती हुई साई फाउंडेशन इंडिया रजिस्टर्ड के नेतृत्व में चल रहे साई मंदिर प्रसादी धाम उज्जैन पहुँचती है। उन्होंने बताया कि श्री श्री भगवान साईदास बाबा जी श्री साई शिरडी वाले बाबा जी के अवतार थे। उन्होंने बताया कि बाबा जी ने एक संकल्प लेकर शिप्रा नदी के किनारे भक्ति की और वहां प्रसादी धाम का निर्माण किया, तभी से यह परंपरा जारी है। इस अवसर पर एस के तिवारी ने बताया कि श्री श्री भगवान साईदास बाबा जी की यात्रा मौके संगतों की ओर से आयोजित पड़ावों पर धार्मिक समागम आयोजित कर भंडारे किए जाते हैं। संगतों में इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साह और श्रद्धा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत अजरोहा, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। जैसा कि आपने देखा है, हमारा ये प्रयत्न होता है जब कोई संस्था या कोई व्यक्ति को खास काम करता है या खास काम करने की चेष्टा रखता है तो हम उसको अपने मंच पे लाकर उससे बातचीत करते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या करने की इच्छा करता है या चेष्टा। इसी के चलते आज एक यात्रा जो हमारे कस्बा माहिरपुर में पहुंची है, हम उनसे बात करेंगे ये यात्रा कौन सी है, क्या है, कहाँ कहाँ से चलती है और कैसे वहाँ पे पहुंचकर वापस जाती है। जी सर, आपका स्वागत है जी डीडी समाचार पे। गुरु भगवान साईदास बाबा जी प्रशांति धाम उज्जैन से चलते हैं, जो कि गुरु भगवान ने स्थापित किया था 1999 में। वहाँ से ये यात्रा चलती है हर साल उज्जैन से वैष्णो देवी के लिए। उज्जैन से पहला पड़ाव होता है दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से होशियारपुर, चिंतपुरनी, जलंधर, अमृतसर, तलवाड़ा, दीनानगर होते हुए यात्रा जम्मू पहुँचती है। आज भुल्लेवाल में है। आज यात्रा भुल्लेवाल में है, दो गुत्तों वाले बाबा जी के आश्रम में है अभी, और जम्मू से कटरा यात्रा जाके फिर रात को बाबा जी रुकते हैं वैष्णो देवी के भवन पे। 7 तारीख को दर्शन करके वापस बाबा जम्मू आते हैं और जम्मू 3 दिन रुकने के बाद 10 तारीख को बाबा जी जम्मू से उज्जैन अपने प्रशांति धाम, जो साई फाउंडेशन इंडिया का जो एक वैकुंठ धाम स्थापित है 36 एकड़ जगह में जो आश्रम है, वहाँ पर वापस बाबा आ जाते हैं। सर, आपने जो साईं बाबा जी की यात्रा के बारे में बताया, अभी कौन से पड़ाव कैसे कैसे चलती है वहाँ से, हमारे दर्शक जो हमारे पंजाब के या पूरे इंडिया में आस्था का जो लोग हैं बहुत आस्था रखते हैं सभी धार्मिक स्थलों में, आप बाबा जी की कुछ जो जानकारी है इसके बारे में, इतिहास के बारे में, जो आश्रम बताया उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। गुरु भगवान बाबा जी साक्षात शिरडी बाबा का अवतार है। बाबा जी ने एक संकल्प लेके ये प्रशांति धाम स्थापित किया शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। उज्जैन जो कि एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है हिंदुओं की, वहाँ पर बाबा ने जब स्थापना की तो ये दिमाग में रख के किया कि शिप्रा नदी जो गंगा जी से भी 100 गुना ज़्यादा जिसका महत्व है, उसके किनारे पे बाबा ने ये आश्रम बनाया। क्योंकि शिरडी बाबा की एक उनका एक बड़ा विश्वास था कि मैंने शिप्रा के किनारे पे जरूर अपना स्थान बनाना है, तो वो संकल्प बाबा ने लेकर शिप्रा के किनारे पे स्थान बनाया। सर, बात करें जैसे आपने बताया तो जो गंगा नदी है हिंदू तब में हिंदू धर्म में गंगा नदी का बहुत परम स्थान है, उससे बाद शिप्रा नदी के बारे में जो लोगों का आस्था केंद्र है, जैसे साईं जी का दरबार है, जैसे साईं बहुत वक्त स्टेप्स पे जाते हैं और वहाँ अपने वैष्णो देवी से वापस आते हैं, वहीं पर वहाँ जो संगत है, जो हमारे लोग हैं, हमारे जो कोई भी धर्म में लाइए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, कोई जो वाक्य जो हम बता सकें अपने दर्शकों को, जो साईं धाम ऐसे है जहाँ वैकुंठ धाम है, वो वहाँ पे कौन सा जो ऐसा कोई खास वर्णनीय जो उल्लेखनीय बात हो वो जरूर हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। साईं बाबा का जो एक सीख थी लोगों को, बाबा कहते थे अल्लाह मालिक, बाबा रहते थे मस्जिद में और वहाँ पर आरती और घंटियाँ बजाते थे। तो साईं बाबा जी ने सारी दुनिया में ये एक धर्म प्रचलित किया जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक समान मानता है, और इसी विश्वास को लेके बाबा के भक्त सभी वर्गों से आते हैं। सारी दुनिया में बाबा के मंदिरों की स्थापना है।
दोस्तों हम आपको बता देंगे, जैसे सर ने बताया जो दिल्ली से हैं, इनके साथ अभी हमारे यहाँ जो संगत उपस्थित है उसमें विभिन्न क्षेत्रों से शहरों से भी संगत हमारे साथ शामिल है, हम उनसे भी बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बता दें जो जहाँ का जो साईं बाबा का स्थान है वहाँ पे इन्होंने बताया आश्रम है, वहाँ पे जो सेवा करते हैं, वहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं वो भी पंडित जी हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया भी विधि शैक्षणिक एजुकेशन भी उनकी काफी है। तो पंडित जी हम आपसे बात करेंगे, पंडित जी तो आप हमारे दर्शकों को जो बताइए, ऐसे आप कहाँ से कब से हैं? मैं 2005 से प्रशांति धाम साईं मंदिर में सेवा दे रहा हूँ। बाबा का एक उद्देश्य है नर सेवा ही नारायण सेवा, भगवान गरीबों की सेवा करते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है जिसमें चैरिटी है, जो गरीब लोग आएंगे उनकी फ्री में सेवा होगी, पूजा फिजियोथेरेपी है, वहाँ पे अन्य प्रकार की पूजा पाठ होती है, नवग्रह शांति, कालसर्प की पूजा, अन्य पूजा अपने प्रशांति धाम साईं मंदिर में होती है। अपने जी जैसे आपने बताया काल सर्प की पूजा होती है या और दूसरे अन्य ग्रह हैं जो नवग्रहों की पूजा होती है वहाँ पे, तो वो निःशुल्क होती है या बाबा जी के आशीर्वाद, वो कैसे कुछ संस्थान की ओर से किया जाता है, जैसे संस्थाएं आती हैं वहाँ पे वो कौन सा जो अफोर्ड करता है जो आपके जो फाउंडेशन है? संस्था साई फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रस्ट है, इसकी स्थापना समर्थ सदगुरु भगवान श्री साईदास बाबा जी ने करी है। वहाँ पे हमने एक मिनिमम शुल्क रख रखा है, यही जो पूजा अपन बाहर करवाते हैं उसका शुल्क बहुत ज़्यादा लगता है। अपने यहाँ की पूजा होती है काल सर्प की 1152 रुपये में होती है, नवग्रह की पूजा है वह भी 1152 में होती है, शिरडी साईं बाबा का अभिषेक होता है उसका शुल्क 504 रुपये है। आपका यदि जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या बेटे बेटी का जन्मदिन हो, उस पर्व पे भी आप अपने नाम और गोत्र से वहाँ पे पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया बात, हमने हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि हम किसी को प्रत्यक्ष रूप में हम किसी मंच पे लाकर उसे शोभा दिलाएं या कुछ भी है, ये धार्मिक आस्था का काम है। हम भी हमारा जो प्रोग्राम है जो कार्यक्रम है ये चैनल पे दिखाने के लिए, इसमें हम लोगों को वो चीज़ दिखाते हैं जो हमारे आस्था का केंद्र है, वहाँ श्रद्धा हो श्रद्धा भाव हो, वहाँ पर किसी भी किस्म का इसे आज के समय में जो लोगों में गुमराह किया ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के साथ हमारे साथ एक और सज्जन है जो होशियारपुर से ही संबंधित है, वो भी अपने बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं, उन्होंने बताया इसी यात्रा के दौरान वहां पे भी उनके कार्यक्रम है, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई ये जो आपकी यात्रा है इसमें वहां पे कितने देर रुकेगी और वहां इस यात्रा के बारे में साईं जी के बारे में क्या क्या भंडारे में योजना है? सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम डॉक्टर एस के तिवारी है, मैं होशियारपुर से हूँ जी। सर आप यात्रा में शामिल है, आप हमारे क्षेत्र के हैं, होशियारपुर से हैं, आप साईं जी की यात्रा मूर्ति स्थापना, ये एक बहुत मैं अपने दोस्तों को बीच में ये भी बता दूं कि ये जो मूर्ति है ये हमारे पास पड़ी है, ये प्रत्यक्ष रूप में है, ये लोगों का आस्था है, हमारी आस्था है, सभी लोगों की आस्था है, जितने भक्तजनों हैं सभी की आस्था है, ये प्रत्यक्ष रूप में भी जाते थे और जो पहले जाते थे अपने श्री रूप में भी जाते थे, अभी इसे इस तरह से लेकर मूर्ति रूप में भी वहां पे जाते हैं। तो सर ये जो आपके पंडाल वहां पे जो कार्यक्रम आयोजन किया है वो कितने दिन का है, कब है वहां पे? हमारे वहां नंगल शहीदा में वानदास महाराज जी का एक आश्रम है जी, उन्होंने बाबा की यात्रा के साथ ही अपना कार्यक्रम सालाना फिक्स किया हुआ है 27 और 28 फरवरी को। आज 27 फरवरी है, तो बाबा आज यहाँ पुल्लेवाल सुबह चंडीगढ़ से चले हैं और पुल्लेवाल गुजरा और मंदनाना होके होशियारपुर पहुँच जाएंगे, शाम को वहाँ सभा अटेंड करेंगे, कल सुबह फिर जो भी संत सम्मेलन है, हवन पूजन है वहाँ, और जो कीर्तन वगैरह है बाबा उसको अटेंड करेंगे। तो ये 27 और 28 फरवरी को सालाना फिक्स प्रोग्राम है ब्रह्मचर्य आश्रम नंगल शहीदा में, और बाबा जब शरीर रूप में थे तब भी वहाँ आते थे, लगभग 2004 से आ रहे हैं, तो अब जैसे शरीर रूप में बाबा नहीं है तो हम मूर्ति स्वरूप को ही शरीर रूप समझ के बाबा उस सम्मेलन में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बात की, आपने बात की, आप विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न शहरों से हैं, यात्रा को लेकर हैं, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमारे आप माहिरपुर क्षेत्र में आए हैं और बाबा जी को भी नमन है। दोस्तों हम बता दें कि हमारे जैसे मैंने पहले बताया हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि हम किसी को प्रमोट करें, या जैसे आज के समय में लोग बहुत सारे संत महापुरुष बनाकर कोई कोई ना कोई बात करते हैं, हमारे ये जो प्रत्यक्ष रूप में ये संगत आई है वहां से कितनी दूर से आ रहे हो कितनी दूर जाना है, तो ये सब इनका एक आस्था का केंद्र है, बाबा जी प्रति इनकी श्रद्धा है। सो मैं मेरा ये अनुमान है या मेरा काम करने का जो हमारे चैनल के माध्यम है लोगों तक अवाम तक ये बात जरूर पहुंचाई जाए, हमारे देश में हमारे राज्य में ऐसे महापुरुष भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में भी थे शरीर रूप में भी अभी भी संतों के में अपना जो आशीर्वाद रखते हैं। होशियारपुर से डीडी समाचार के लिए दलजीत अजनोहा।